हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमकेपी गुड टिप्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा योनो एसबीआई ऐप से आप रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा सकते हैं, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, अगर आप SBI योनो का यूजर है तो आप एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको पासवर्ड योनो SBI ऐप्स का भूल गए हैं तो उसके लिए हम वीडियो बनाए हैं, और नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और यूजर नेम भी आप नहीं जानते हैं योनो SBI का, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे देखकर यूजर नेम पता कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम लॉगिन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रिचार्ज हमको कैसे करना है। तो इसमें देखिए, इसको नीचे और कर देना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल पेमेंट का। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल पेमेंट नहीं करना है, रिचार्ज करना है। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नो बिल पेंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिचार्ज का एक नीचे अब में ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो इस वाले फोर वाले लाइन पे आप क्लिक करके, यहाँ पे रिचार्ज का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप योनो SBI यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं। लिए पहला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। सेलेक्ट योर ऑपरेटर का मतलब होता है आप किस कंपनी का सिम चलाते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, जियो हो गया, BSNL। तो फिलहाल हम आइडिया का सिम यूज करते हैं, तो आइडिया पे हम क्लिक करते हैं। हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आपको मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर हम दे चुके हैं, और मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अगर मालूम है कि 35 का कितना रिचार्ज करेंगे और 119 का, जितना का भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है, अगर प्लान देखना आप चाहते हैं तो यहाँ व्यू प्लान पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही व्यू प्लान पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा एकदम चार्ट आ जाएगा कि आप कौन सा रिचार्ज करना चाहते हैं और आपके लिए मोबाइल में जो है कौन सा बेहतर रिचार्ज रहेगा, सस्ता से सस्ता। तो यहाँ पे देखिए लोडिंग हो रहा है, और लोडिंग होने देते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल अभी कर रहे हैं 35 रुपये का रिचार्ज, जो कि आइडिया फोन में कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको प्लान दिखाया जाएगा। तो व्यू प्लान पे अभी देखिए वैलिडिटी चल रहा है 28 दिन के लिए, और 45 में आपको टॉक टाइम मिल रहा है। तो व्यू मोर प्लान पे क्लिक करेंगे, तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जितना का भी रिचार्ज करना है कर सकते हैं, फुल टॉक टाइम। देखिए यहाँ पे आते हैं 2G मोबाइल डाटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3G मोबाइल डाटा, ISD पैक्स। उसके बाद आपको जो करना है, हमको 35 रुपये का रिचार्ज करना। देखिए स्पेशल वाउचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 35 रुपये का टॉक टाइम में हमको दे रहा है, 26 रुपये का टॉक टाइम। तो यही वाला हम रिचार्ज करेंगे। तो रिचार्ज करने के बाद देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कितना का करना है। अगर आपको और अदर का करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत सारा रिचार्ज है यहाँ पे, आप इस तरह से आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको नेट डाटा वाला चाहिए 3G मोबाइल डाटा, तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। 2G चाहिए तो बहुत सारा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको फुल टॉक टाइम चाहिए तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हमको क्या करना है, 35 का रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे आएंगे स्पेशल वाउचर पे, तो यहाँ पे 35 का हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फिर से एक बार जांच लीजिए, प्लीज रिव्यू मोबाइल नंबर आपका इतना है, मोबाइल ऑपरेटर आइडिया है, मतलब आप किस चीज़ का सिम चलाते हैं वो हो गया। उसके बाद अमाउंट टू पेड 35 रुपया, उसके बाद यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट। आप इस
बैंक अकाउंट से आपका रुपया कट जाएगा 35 रुपया। तो कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा और ये ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। देने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, पेमेंट फॉर आइडिया, ये देखिए ऐड आ चुका है तो इसको हम कट कर देते हैं। पेमेंट फॉर आइडिया प्रीपेड एंड मोबाइल नंबर, इतना आपका है मोबाइल नंबर जो भी है आप कर सकते हैं 35, हैज बीन पेड, मतलब आपका जो है पेड हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको यूजर नेम और पासपोर्ट नहीं पता है योनो SBI ऐप्स का तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख के पता कर सकते हैं और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी नीचे कमेंट कीजिए। और